खबर लोग चैनल देखने सारा दर्शकों ने देसी पत्रकार रवि की घनी घनी राम राम। दो पंक्ति हैं बाकी साथ जो आज शुरुआत करना चाहूँगा अभी। पहले तो लाइव जो जुड़ गया हाँ तो भी के बारे में एक बार जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल जो भी दर्शक एक बार लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। वॉइस प्रॉपर आ रही है अभी के बारे में भी जानकारी दो जी। एक और कीर्तिमान है जो अपनो झुंझुनू जिलों जो हासिल करने जा रहे हो है शहीदा का जिला का नाम हो। बिल्कुल हर एक जो पूरा देश में जाने जा है हर एक बच्चों बच्चों की अगर शहीदा का जिला की बात करी जाए तो सिर्फ अपनो जिलों है जो शहीदा का जिला का नाम हो जाने जा है। अभी भी गाँव में पहुँचा हाँ जठे एक साथ है कि पाँच पाँच शहीदा की मूर्ति को अनावरण होने जा रहे है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर एक यो जो नयो कीर्तिमान हासिल करना आप जा रहे हैं व्यू पहली ग्रामवासी हैं अपने साथ पूरी जानकारी है जो आज वीडियो में था दिलवा से कि शहीद जो होया हा कौन सी के बटालियन में हा कठे पोस्टेड हा और कद के शहीद होया। हालांकि एक चीज जानकारी मैं देना चाहूँ कि ये जो शहीदा की प्रतिमा को अनावरण जो करो जा रहे हो बिकमान वह शहीद भी ही जबकि पार्थिव देह है बा वापस गांव भी कौन पहुंच पाई ही लेकिन बी के बाद में भी जो प्रयास करा गया जय बा को रिकॉर्ड हो या जेठाओं भी वो जो रिकॉर्ड निकाले गए बिकले भी आप चर्चा करांगा। तो जो भी दर्शक अभी जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तेरा चल रहे यार तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बातचीत कर सा पूरा ग्रामवासी अपने साथ ही बिकले भी जानकारी ले सा कि जो शहीदा की जो पूरी जानकारी इकट्ठाओं की निकाली गई और बी के बाद में आज है जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व शाम आप जो जुड़ रहे हैं काल है जो एक नयो कीर्तिमान है जो लिखो जागो और बिकमान है जो झुंझुनू जिला को अपनो एक और गांव जो सम्मिलित बिकमान हो जागो। राम राम जी। राम राम। सूबेदार नंदेव सिंह जी अपने साथ ही तो आऊँ आप जानकारी लांगा कि शहीद जो पाँच शहीद ही बाके बारे में थोड़ी सी जानकारी है बा अपना दर्शकों दी कि कौन कौन जो शहीद हुए हैं और बाकी जो कौन सी बटालियन में और बे कठे कार्यरत है। आपके सामने जो पहली मूर्ति है वो राइफलमैन शेडू राम की है जी। ये 10 मई 1942 को जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का आर्मी में भर्ती हुए थे 5 फरवरी 1945 को ये जर्मन में शहीद हो गए थे। दूसरी जो मूर्ति आपको नजर आ रही है बिल्कुल जो चाहूंगा कि दर्शकों अगर मूर्ति पीछे दिख रही है आज अनावरण को नहीं हो पायो अनावरण है जो काल है ये चीज को कि यो कीर्तिमाल काल लिखो जागो ब्यू पहले आज जो तैयारी है बंको थोड़ा सा आप दर्शकों दिखा रहे हैं और दर्शकों यह भी अपील करूँ हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में काल जो पहुंचे और यो जो एक भव्य आयोजन जो करो जा रहे है बिकमान शिरकत हुए 5 प्रतिमा ही बिल्कुल आज जो और काल है जो ये सब प्रतिमा ही जो आपको अनावरण है जो करो जागो जी। दूसरी प्रतिमा है राइफलमैन जोधाराम की ये भी उस जमाने के राजनीतिक सेंटर में भर्ती हुए थे। इनकी भर्ती की तारीख है 4 अगस्त 1942 और 8 मार्च 1945 को ये भी जर्मन में शहीद हो गए। तीसरी मूर्ति है सिपाही बोईत राम की ये जाट रेजिमेंट में थे। 1962 वहां पे मैं भी जो आपको इंटरव्यू दे रहे हाजिर था मैं थोड़ा लेफ्ट साइड को था मैं फर्स्ट जाट का नुमाइंदा हूँ ये 5 जाट में थे और वहाँ एक जगह उसका नाम है हॉट स्प्रिंग बर्फ के नीचे भी गर्म पानी निकलता वहां इनकी यूनिट थी 5 जाट। दुश्मन का भारी अटैक आया कम से कम 8 गुना ज्यादा दुश्मन वहां पे मतलब शहीद हुए बोईत राम। चौथी मूर्ति है वो है शहीद गनेडियर शहीद बालाराम की जी। ये 1960 का किस्सा है नाथुला एक जगह है वहाँ पे आज भी झगड़ा चल रहा है नाथुला दरा जो नाथुला हाँ लगे है हाँ एक वो तो ये मतलब पहले नॉर्मल बातचीत चल रही थी जगह हमारी थी उन्होंने हमारी जगह अगर टेंट लगा दिया चाइनीज ने बहस हुई तुम हुई जो गाँव में होती है फिर थपा मुकी वही है हथियार निकले गए हमारे 67 शहीद हुए उनके मोर देन 300 ज्यादा मार लिए थे। ये 1970 का आखिरी और पांचवी मूर्ति है नायब सरदार धनपाल सिंह ये जम्मू कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड में 17,000 से फिर से ऊपर थे वहां पे बताओ ये शहीद हुए जम्मू कश्मीर में 2 जानवर
सितंबर 2009 को जम्मू कश्मीर में जी। और क्या बताऊं जी, बिल्कुल। तो ये तो शहीदा के बारे में थोड़ी सी सरसरी जानकारी ली है, हालांकि जो कंप्लीट वीडियो है पूरी एक एक चीज की जानकारी है जो कल आप दिलवाऊंगा एक मान, और जो शहीदा की प्रतिमा ही जो बनाई गई है कि के द्वारा बनाई गई, और बस जानकारी भी है जो कल आपा था जो दिलवाऊंगा। अभी मैं जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं रिक्वेस्ट करूँ कि एक बार वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और सौ ई चीज की रिक्वेस्ट करूँ कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के है जो ई कार्यक्रम ने सफल बनाऊ। आज की जो व्यवस्था की बात कर लें, पूरा गाँव है जो आज पूछ रहे है, और काल की जो व्यवस्था है बकले, काल कुछ जो प्रोग्राम है बिकले, व्यवस्था जो बनाई जा रही है बिकमान, जो युवा की बात कर लें, बूढ़ा बुजुर्गों की बात कर लें, या फिर बच्चा की बात कर लें, हर कोई ये जो बढ़ चढ़ के एक मान भाग ले रहे है। दादू जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि यो अब तो पुराना रिकॉर्ड है, यो कैसे के निकलवाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आज खुद अपने खर्चे से दिल्ली गया हूँ, राजीव सेंटर में रिकॉर्ड जो अफसर था, बहुत भले अफसर थे, ब्रिगेडियर साहब उनसे मिला हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि मैं आई एम आल्सो रिटायर्ड पर्सन सर, वो मैं राजस्थान के जिला झुंझुनू के उदयपुरवाड़ तहसील से हूँ, गांव का नाम ये है। मेरे गांव के दो अंग्रेजों के टाइम में आपके रेजिमेंट में थे जो दोनों शहीद हो गए, ब्रिगेडियर साहब ने मुझे नाश्ता करवाया, चाय पिलाई है, फिर वहाँ एक हवलदार कल को बुला के मेरे साथ किया है जो अपने दिल्ली में, दिल्ली के राजीव सेंटर दिल्ली। तो उस हवलदार ने काफी टाइम लगा ढूंढ ढांड के पुराने छुराने गणेश के कागजों में, उन्होंने मेरे को मतलब लिखवाया भर्ती की तारीख, शहीद की तारीख और सब कुछ रिकॉर्ड वहाँ दिल्ली से लेके आया। जी जी। दूसरे आजादी के बाद वाले, इनका रिकॉर्ड तो ऑलरेडी था ही, इन घरवालों के पास भी था, हमारे पास भी था, इनका रिकॉर्ड नगे से मतलब बिल्कुल नहीं था। उस ब्रिगेडियर साहब की मैं मतलब बड़ाई करूंगा, उन्होंने मेरी पूरी मदद की, रिकॉर्ड निकलवा के दिया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सुबेदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफी दर्शक आपने साथ जुड़े हैं, और ग्रामवासियों भी आप चाहूंगा, अगर शहीद परिवारों कोई है तो वह भी आप बातचीत करना चाहूंगा। हालांकि विकास जो विकास ढेवा जो थारा दादाजी शायद जो एक मान जो सम्मिलित था, तो के अभी देखा कि जब मूर्ति लाग रही है अत टाइम बाद में, तो कसो के लाग रहे हो अभी? अभी बहुत खुश हैं हम। हाँ। सभी ग्रामवासी। हाँ। और थारे कसी खुशी है कि दादाजी की प्रतिमा है जो होता टाइम बाद में जो लाग बहुत ज्यादा खुशी है। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी और प्राउड को ये जो मोमेंट ये टाइम जो आप देख रहे हैं कि एक जो नयो इतिहास है जो आप ये टाइम लिखण जा रहे हैं, एक और कीर्तिमान जो हासिल आप झुंझुनू करण जा रहे हो है कि हालांकि बहुत सा गाँव में अपने प्रतिमा ही शहीदा की प्रतिमा ही पांचों ज्यादा भी शायद मिल जाए, लेकिन पांचों नाके नाके अलग अलग मिल जाए, लेकिन एक जो गाँव अपना यहाँ को जो कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं कि एक छात के नीचे पांच शहीदा की प्रतिमा ही जो एक साथ जो लागण जा रही है। थारा जो जानकारी लेना चाहूंगा कि जो थारा परिवार में जो जोधा राम जी मिल रहा है, तो के लागता थारा ताऊजी हाँ। तो थोड़ा बहुत जी टाइम को याद आवा है कि बकबरम की सूचना आई ही, हालांकि बको तो पार्थिव देवी शायद अपने जो गांव में कौन पूछे हो, कौन पूछे अपने मान तो अब भी मालूम पड़े, पहले तो मतलब कद शहीद होगा क्यों हो अभी कोई मालूम ही कोई पड़े हो। हाँ। और अब भी मालूम पड़े और बहुत खुशी है हमें जी, बहुत बिल्कुल सगला गाँव खुश होया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जब भी गांव में आपा घुसा हाँ, तो भी चीज में एक अलग ही यो चीज बने है कि आज ये प्रतिमा को उठे देख रहे हैं कि पांच प्रतिमा एक साथ में जो लाग रही हैं, और अभी जो तैयारी करी जा रही है लगातार है कि जो कि काल जो अनावरण है गांव अलग अलग जगहों जो लोग पहुंचेगा, और एक मान मैं तो यही जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं यही चीज की रिक्वेस्ट करूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक मान पहुंचे, और जो ये प्रोग्राम है जो आयोजन है इन सफल बनाए। जी वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बने रहो, जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।